मरहूम आल आल्ह मकामहूब अपनी किताब गौहरे शब चराग में एक अमल बयान करते हैं अमल फरमाते हैं कि उस पर इंसान अगर रजुअ कल्प के साथ एहत के साथ उसे अंजाम दे तो इंशाला बेहतरीन तजर्बे के साथ फायदेमंद बयान तो इंसान इस अमल को अंजाम दे इस एतबार के साथ के परवरदगार कबूल करने वाला और वसीले की बुनियाद पर हाजतें रवा करने वाला कोई भी हाजत हो कोई भी दुआ की कबूलियत का मसला हो यह अमल अमल क्या है तीन दिन का अमल यानी अगर आप आज शुरू करते हैं तो जुमा हफ्ता इतवार तीन दिन का अमल करना क्या है करना आपको यह है कि एक मरतबा पढ़नी है आयतुल कुर्सी और उसमें आपने आउज बिल्ला शैतान बिस्मिल्लाहमान रहीम और फिर आयतुल कुर्सी पूरी एक मरतबा उसके बाद सूर्य अलहमद दो उसके बाद कोई भी एक सूरा जो आप पढ़ना चाहें तीन कोई भी सूरा सूर पढ़ लीजिए या सूर काफिरून पढ़ लीजिए या कोई और सूर तो कोई एक सूर कुरानी मजीद का अलहमद के बाद तीन आयतुल कुर्सी सूर्य अलहमद और कोई एक सूरह कुरानी मजीद का नंबर चार सूरह इखलास पढ़ेंगे पांच मरतबा अमल के एतबार से पांच मरतबा और सूरह कौशल पढ़ेंगे पंद्रह मरतबा नंबर पांच नंबर छ एक सौ मरतबा द्रोध की तिलावत करेंगे कुल पढ़ने की बातें तीन दिन एक अमल आगा नाइनी के बयान के अतबार से मैं फिर दोहराता हूं नंबर एक आयतुल कुर्सी आउज बिल्ला और बिस्मिल्ला के साथ सूर्य उसके बाद कोई एक सूरा इन तीनों में से हर एक को एक 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 बार पढ़ना है नंबर चार पर सूर अखलास जो आपने पढ़ना है पांच मरतबा नंबर छह पर आपने पढ़ना है सूर्य कौसर पंद्रह मरतबा नंबर सात आपने सौ मरतबा द्रोद की तिलावत करना है ये छह आम तीन दिन तक अंजाम दें और इसका सवाब चार अंबिया की अरवाह की ख़िदमत में हदिया करें हजरत आदम सफी आजरत इब्राहिम खाली आलम हजरत मूसा कलीमुल्लम और सरकार खत्म मरतबत अहमद मुशतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा वसल्लम तो आमाल तो बहुत सारे अलबत्त दौलत यकीन के साथ आजमाइश नहीं तजुबा नहीं यकीन के दुआ कबूल करने वाला हमारे हालात को जानने वाला हमसे मोहब्बत करने वाला आइमा की वसीले को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता करने वाला इस यकीन के साथ आप अमल अंजाम दीजिए अगर शवरदिगार की तरफ से कोई और मेरे और आपके हक में बेहतरी न हो इसमें कि इसके अलावा काम किया जाए तो यह काम हो कर रहेगा इन शह परवरदिगार हम सबके अमाल और दुआएं और नमाजें सब कबूल फरमाए बक मोहम्मद वाल मोहम्मद आलम सला वसलम